पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट, पहले समझो, लाइट एक कॉम्प्लेक्स चीज थी, मैंने बताया था। एक्चुअल में जो नेचुरल लाइट आती है, सन से लाइट आ रही है, एक तेज बल्ब जल रहा है, सोर्स है, बहुत तेज लाइट आ रही है, उसमें होता क्या है समझो, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आप अगर ये सोचें कि अगर ये सोर्स है तो लाइट हर तरफ जा रही है सोर्स से, तो सोर्स से जब लाइट हर तरफ जा रही है तो आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा, वेव ऐसे भी जा रही है, 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 वेव ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी, वेव ऐसे जा रही है, हर तरफ जा रही है, ठीक है। तो वेव्स ही वेव्स हैं। अब कोई भी एक वेव पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं सोर्स ऑफ लाइट यहां पर लेता हूं और आपकी आंख तक वो वेव जा रही है, लाइट यहां तक आपकी आंख तक जाएगी। तो इमेजिन करो एक रस्सी है, ठीक है, मान लो एक सन से लाइट आ रही है आपकी आंख तक, और सन और आपकी आंख में एक रस्सी डली हुई है, और देखो क्या हो रहा है, सन हिला रहा है, सोर्स हिला रहा है, और ये देखो क्रेस्ट एंड ट्रफ आपकी आंख में जा रही है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड हाई होगा उसका इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, आंख में चुभेगी लाइट आपके। पर एक्चुअल में जो लाइट है वो ऐसी जाती नहीं है, हम स्टडी जरूर करते हैं, ये एक्चुअल में लाइट ऐसे भी है, 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 हर तरफ है। तो सोचो एक वेव जो आपकी आंख में जा रही है वो ऐसे भी जा रही है, वो ऐसे भी जा रही है, वो ऐसे भी जा रही है, हर तरफ, हर एंगल पे जा रही है। अब ऐसी लाइट का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी देखो कितनी हाई होगी, जब इतनी ज्यादा वेव्स आपकी आंख में आ रही है, तो वेव्स ही वेव्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है। तो मान लो मैं धूप में खड़ा हूं और सन से लाइट मेरी आंख में पड़ रही है, तो वो हर एंगल पर आ रही है। ऐसी लाइट को जो हर तरफ वाइब्रेट करती है, हर तरफ 360 डिग्री, ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो मैं धूप में क्या लगाता हूं, महंगे गॉगल लगाता हूं, रेबैन के गॉगल लगाऊंगा, महंगे इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो ग्लास डला हुआ है वो एक पोलरॉइड है, पोलरॉइड मटीरियल है, क्रिस्टल है, नेचुरल क्रिस्टल है, वो महंगा है। उसकी खास बात यह है उसके अंदर एक जाली की तरह स्ट्रक्चर है। जाली कैसे, मान लो वो जाली ऐसे है, वर्टिकल है, ठीक, ऐसे अंदर ग्लास के अंदर ये स्ट्रक्चर है। तो जो वेव, जो भी वेव ऐसे आ रही है वो तो इस जाली में से पास हो गई, लेकिन जो ऐसे आ रही है वो ये क्रॉस कर देगा, उस जाली में फंस जाएगी, फिल्टर कर देगा। तो कुछ ऐसे, ये देखो, ये यहाँ पे जो आगे मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये देखना दूसरी बुकलेट में, ये रहा। तो इसके अंदर, इसके अंदर पोलराइजेशन ऑफ लाइट में ऐसी जाली, ऐसे। तो जो लाइट मैं आपको शो कर रहा था ना अभी कि हर तरफ वाइब्रेट कर रही है, वो डायग्राम ऐसे बनता है। इधर एक्सिस पे भी वाइब्रेट कर रही है, इस एक्सिस पे भी वाइब्रेट कर सकती है, इधर भी वाइब्रेट कर रही है, इधर भी वाइब्रेट कर रही है, हर एंगल पे वाइब्रेशन है, राइट। तो इस लाइट को क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अगर मैं इस अनपोलराइज्ड लाइट को इस स्ट्रक्चर में पास करूं, नेचुरल स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ये स्ट्रक्चर है, जालीदार स्ट्रक्चर है और वर्टिकल है, तो ये वाली लाइट जो वर्टिकल है वो तो देखो पास हो गई और बाकी सब कट गई। तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है, मेरी आंख में मान लो 25% लाइट ही जा पाएगी, सन को देख रहा हूं 100% लाइट आ रही है, बाकी इसने उड़ा दी, फिल्टर कर दी, 25% जाएगी, मेरी आंखें खराब होने से बच जाएंगी, इसलिए धूप में लोग चश्मा डालते हैं। क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है यहां तक? तो पोलराइजेशन को अगर डिफाइन करना हो तो पोलराइजेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ लाइट, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन के लिए मैं कोई यहां मशीन नहीं बनाने वाला, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा लगा के ये ऐसे बन गया, कुछ नहीं है। हम इस चैप्टर में नेचुरल तरीकों से पोलराइज करेंगे लाइट को, और पहला नेचुरल तरीका, अर्थ के अंदर से क्रिस्टल निकलता है जिसका नाम है टॉर्मलिन क्रिस्टल। ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास है, एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है, जिसमें से अगर आपने लाइट को पास कर दिया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पोलराइज्ड।
वो ऑटोमेटिकली ये टॉर्मलिन क्रिस्टल है, पोलराइज हो जाती है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉर्मलिन क्रिस्टल से किया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, अनपोलराइज लाइट को ऐसे शो किया जाता है, ये देखो ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, ये लो अनपोलराइज लाइट है। जब मैं इसको पोलराइज करता हूं, ये अनपोलराइज है, जब मैं इसको पोलराइज करता हूं तो ये ऐसे डायग्राम बनेगा, राइट? क्लियर है यहां तक? ये पोलराइज है, अनपोलराइज है। आपकी बुक्स अनपोलराइज को कभी कभी ऐसे और कभी कभी ऐसे भी शो करती हैं, ऐसे ए डॉट, डॉट का मतलब है, ये डॉट का मतलब कि वाइब्रेशन किसी भी तरफ हो सकती है, डॉट मीन्स किसी भी एंगल में एरो घुसा दो, लेकिन पोलराइज लाइट के बीच में डॉट हटा देती हैं, इसका मतलब सिर्फ यहीं पे वाइब्रेशन है। तो ये सिंबल है अनपोलराइज का, ये सिंबल है पोलराइज का। क्लियर है? बढ़ना आ गया। तो इसके अंदर जैसे सपोज करो ये सोर्स है, अनपोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जब चली तो ये अनपोलराइज लाइट है, बीच में डॉट 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 लगा हुआ है, अनपोलराइज है। सामने एक क्रिस्टल रख दिया, यहां से लाइट क्या होगी? पोलराइज होगी। जब लाइट पोलराइज हुई, इस प्लेन में पोलराइज हुई, इस प्लेन, मेरे हाथ वाला प्लेन, प्लेन है ऐसे, तो इस प्लेन को क्या बोला जाता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और एक प्लेन ऐसे है, हॉरिजॉन्टल में है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें लाइट क्या हुई? पोलराइज हुई। तो ये दो प्लेन्स हैं जिनके बारे में ये बताया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा, कॉम्पिटिशन में क्या आएगा अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहां तक?